जो नए आए हैं, कोई नया पैसेंजर आया, कोई लेबर टाइप के पैसेंजर आया जिसको पता नहीं किराया किस रूट का कितना है, तो ऐसा होता है यहाँ। 300 काट रहे बस में, वहाँ 700 का पर्ची लेके सामने वाला आ रहा है, तो हम बोलते हैं सीधा, भैया तुम काउंटर के माध्यम से मत कटाओ, सिर्फ कंडक्टर बस में आओ। नमस्कार, न्यूज 18 में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ भूपेश कुमार साहू। आज से 1.5 वर्ष पहले रायपुर भाठागांव स्थित अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल की शुरुआत की गई थी। आइए जानने की कोशिश करें कि कौन कौन सी सुविधाएं यहां पर मिल रही है और कौन कौन सी सुविधाएं जो यहां पर मिलना चाहिए अभी तक सुविधाओं का अभाव है। क्या नाम है? मेरा तापोस राय। ये अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल में कौन कौन सी सुविधाएँ हैं जो मिल रही है? यहाँ टॉयलेट भी है, बाथरूम भी है, 4-4 फ्रीजर लगा है अंदर में, होटल वगैरह सब चीज़ है और पार्किंग वगैरह सब चीज़ है। मतलब पैसेंजर के लिए जो 35 से ज़्यादा सुविधा यहाँ, जो सुविधा वहाँ था और जगह भी कम था, यहाँ जगह भी पर्याप्त है। 4-4, 5-5 फ्रीजर लगा है, टॉयलेट का सुविधा है ना, फ्री में भी है, मतलब टॉयलेट बाथरूम सब अंदर में। लेकिन जैसे जैसे मुझे बस में जाना है तो वहाँ से आने में तो बस छूट जाएगी। यहाँ पर जैसे बीच में जो रास्ता है, बीच बीच जगह में है, वहाँ पर यात्री जो शेड लगने चाहिए, यात्री प्रतीक्षालय, बैठने के लिए प्रतीक्षालय का कमी है, वो बनना चाहिए। और जो यहाँ के लोग जो सवारी पकड़ते हैं ज़बरदस्ती, किराया उराया जो भी, टिकट विकेट काटते हैं उल्टा सीधा, ये सब सुधारना चाहिए, बस वही है। मतलब किनके द्वारा ये जो हर्जाना जुर्माना किसके द्वारा काटा जाता है? ये सब यहाँ काउंटर वाले उल्टा सीधा नया सवारी देख के काट लेते हैं ज़बरदस्ती का। मतलब बीच बीच में वसूली का काम भी यहाँ पर चलते रहे, सवारी से मनमानी किराया वसूली भी होता है यहाँ। हाँ बिल्कुल होता है। मतलब यह हम बोल सकते हैं कि तमाम सुविधाएं मिल रही है, लेकिन उनके साथ साथ लोग नए पैसेंजरों जानकारी जो समझदार है उसके साथ कुछ नहीं होता। जो नए आए हैं, कोई नया पैसेंजर आया, कोई लेबर टाइप के पैसेंजर आया जिसको पता नहीं किराया किस रूट का कितना है, तो ऐसा होता है यहाँ। हम 500 काट रहे बस में, वहाँ 700 का पर्ची लेके सामने वाला आ रहा है, तो हम बोलते हैं सीधा, भैया तुम काउंटर के माध्यम से मत कटाओ, डायरेक्ट कंडक्टर बस में आओ, बस में कटाओ। मतलब कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि टिकटों में दलाली चल रहा है। हाँ, सब चीज़ में चलता है भैया, है ना, सिटी है, सिटी के हिसाब से लोग तो एक दूसरे को, है ना, वो करना चाहते हैं, मतलब है ना, कमाना अपना पैसा जेब। हाँ, एक हिसाब से कह सकते अतिरिक्त आय चाहते। हाँ, आय चाहते। लेकिन इतना बड़ा बस टर्मिनल बनाया गया है, लेकिन बीच बीच में जगह जगह पर यहाँ पर पानी का जो व्यवस्था है, फ्रीजर की व्यवस्था देना चाहिए इतने बड़े बस स्टैंड में ना। अब वहाँ 4 फ्रीजर है बस स्टैंड के अंदर में, अब यहाँ जैसे मैं भी खड़ा हूँ, मेरे को प्यास लगी है, अब इतना बड़ा बस स्टैंड है तो यहाँ जगह जगह होना चाहिए। और अभी गर्मी आने वाला है, 1-2 महीने में कम से कम 4-5 फ्रीजर और लगना चाहिए स्टैंड के अंदर, है ना, पीने के लिए पानी। मेरा नाम है अजय शास्त्री जी, मैं खुद गुड़ियारी का रहने वाला हूँ, और यहाँ मैं कांकेर का सफ़र करने जा रहा था तो देखा कि अंतर्राष्ट्रीय बस स्टैंड में सुंदर सारी सुविधा उपलब्ध कराई गई सरकार के द्वारा, बढ़िया पानी की व्यवस्था है, लेकिन कुछ सुविधाएं ऐसे भी हैं जो सुविधाएं लोगों को उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। जैसे बाथरूम जा कर के देखेंगे शौचालय आदि को, वो साफ़ सफाई नहीं है, है ना, पानी पीने की जगह तो है लेकिन वहाँ ग्लास ही गायब है। तो इस प्रकार से थोड़ा सा सरकार को ध्यान देना चाहिए। बाकी सब सुविधा उपलब्ध है, बैठने की छांव मिली गई है सरकार के द्वारा, लोगों को सुंदर भरपूर इसका आनंद प्राप्त हो रहा है। और बढ़िया सुविधा जैसे पंडरीस बस स्टैंड था, उससे लाख पूर्व मतलब अच्छा जो व्यवस्था है सरकार के द्वारा, भूपेश सरकार के द्वारा यहाँ अंतर्राष्ट्रीय बस स्टैंड में सुंदर सबको उपलब्ध कराई जा रही है। बस कुछ कुछ सुविधाएं हैं, उसको सरकार थोड़ा सुधार ले तो और जैसे बोले जाए सोने पे सुहागा हो जाए। वो कौन कौन सी सुविधाएं हैं जिनको सरकार चाहेगी सुधारना चाहेगी? बताया ना, जैसे शौचालय में साफ़ सफाई, जो गंदगी फैली जा रही है, यद्यपि जो जागरूकता है हमको ही करना है साफ़ सफाई, लेकिन इसमें कुछ कुछ विशेष ध्यान है सरकार को, इसमें सफाई कर्मचारी के द्वारा सफाई करानी चाहिए। शौचालय है, गंदगी हमेशा फैली रहती है, वहाँ भी मैं जाकर के देखा शौचालय में, वहाँ गंदगी थी, तो शौचालय आदि को गंदगी को साफ आदि करें तो कुछ कुछ सुविधाएँ ऐसी है जो साफ़ सफाई पर विशेष ध्यान सरकार को देनी चाहिए। मतलब ये सीधे शब्दों में यह कह सकते हैं कि टर्मिनल बनाया गया, बहुत अच्छा टर्मिनल बनाया गया, बहुत सुख सुविधाओं से बनाया गया, लेकिन रख रखाव का अभाव है। रख रखाव का अभाव है, थोड़ा सा देख रेख की आवश्यकता है,
लोग इसमें गंदगी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जवाबदारी हमारी भी है, लेकिन सरकार को विशेष इसका थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि साफ़ सफाई के अधिकार, क्योंकि मोदी सरकार भी यही चाह रहे हैं, स्वच्छ भारत अभियान के तहत ही कार्य हो रहा है, बस थोड़ा सा साफ़ सफाई के अंतर्गत देख रहा अपने हिसाब से करना चाहिए सरकार को। बाकी सब धन्यवाद।